saiyo. महाल सभापति जी, आपने इतने सालों तक खंडोबा की सेवा की है, अगर आप एक दिन आराम कर लेंगे तो खंडोबा नाराज नहीं हो जाएंगे आपसे। हे खंडोबा, साईं, मैं अब ठीक महसूस कर रहा हूं। साईं, मैं अब पूजा कर सकता हूं। बाबा, क्या मैं पूजा करूं? आप इतनी देर तक कैसे खड़े रह पाएंगे? नहीं बेटा, तुम अभी पूजा नहीं कर सकते हो। करने देंगे तभी तो ना। आपने ही तो कहा था एक दिन मुझे ये सब संभालना पड़ेगा, तो आज से ही करने दीजिए ना। महाल सभापति जी, मलारी ठीक कह रहा है, आप उसे पूजा करने दीजिए। वैसे भी बच्चों का हृदय इतना निर्मल होता है कि भगवान सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं। आप बैठे रहिए और मलारी को बताते रहिएगा। ठीक है साईं। अगर तुम्हें कुछ करना है तो सूर्यास्त तक का समय है तुम दोनों के पास। अगर कुछ नहीं किया तो गधे पे बिठा के उपलों की माला पहना के शिरडी के बाहर फेंक दूंगा मैं तुम दोनों को। कौन है वहां? जरा देखो तो। बोलिए सरकार। शाश्वत मूर्ते तव शरणं, गीत सुंदरा तव शरणं, पंचानना भयवाहना शेष संशय।
रहो, सुखी रहो, अपने माता पिता की सेवा करो। मल्लारी आज थोड़ा बड़ा होता तो मालसापति जी आज घर पर आराम कर सकते थे, पर मैं आज बहुत निश्चिंत हूं, क्योंकि अगर कुछ काम करने में मैं असमर्थ हूं तो तात्या संभाल लेता है। सच में साईं, छोटी उम्र में ही मैंने तात्या को मेरा सारा काम सिखा दिया था और मैंने बहुत अच्छी बात की। तो क्या मेरे लिए भी वो वक्त आ गया है कि मुझे भी मल्हारी को पूजा पाठ सारे विधि विधान सिखा देने चाहिए? शायद खंडोबा की तरफ से ही ये संकेत हो। पंताजी, सूरज सर पे चढ़ा है और अब तक हमें कुछ नहीं मिला। आज तो गए 12 के भाव से। चलिए अपने लिए गधे और उपलों का इंतजाम करते हैं। चलिए। राव साहब। पंताजी, आपने कुछ सुना? मुझे तो केवल सरकार के चिल्लाने की आवाज ही सुनाई दे रही है। अरे सरकार नहीं, कोई और। अब मेरा दिमाग खराब मत करो। राव साहब एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। राव साहब तुम्हें हो क्या गया है? जैसे ही तुम्हारे संवाद कहने की बारी आती है तुम खांसने लगते हो। वो राव साहब, चुप रहो। जरा सा समय क्या मिला, बीड़ी मार के आ गया। कितनी बार मैं तुझे कह चुका हूं, नाटक के दौरान बीड़ी मत पिया कर, बदबू आती है मुंह से। और अभी खांसी के साथ अपने संवाद कैसे खाओगे तुम? गणपत, मैंने औषधि दी है, खांसी ठीक हो जाएगी। अरे खांसी ठीक होगी पर बीड़ी पीने की आदत का क्या? कल मंच पर वरमाला पहनाते समय इसकी मुंह से इतनी बदबू आ रही थी, मन कर रहा था कि वरमाला के साथ ही इसका गला घोट दूं। बीड़ी पीना नहीं छोड़ सकता मैं। क्या कहा तुमने? बीड़ी पीना नहीं छोड़ सकता मैं। अच्छा, मैं भी देखता हूं कैसे नहीं छोड़ेगा। ये क्या किया आपने? मैं भी एक कलाकार हूं, भले ही आपकी तरह बड़ा नाम नहीं है मेरा, लेकिन हूं तो कलाकार। गुलाम नहीं हूं आपका। ये क्या किया? अगर उसने नाटक करने से मना कर दिया तो? गणपत राव को मना करने वाला अब तक कोई पैदा नहीं हुआ, आ जाएगा वापस। और तुम सब सुनो, ये मेरी मंडली है, मेरा नाटक है और यहां मेरे ही नियम चलेंगे।
अब मैं बताता हूँ तुम लोगों को कि करना क्या है। हरिओम। जी सरकार। अरे ओम। प्रणाम साईं। राम जी भला करें। हमने निश्चय कर लिया है, हम विवाह करेंगे तो केवल राजा नल से। भिक्षाम दे। साई। प्रणाम साई। राम जी भला करे। चंपा, साई आए हैं, उनके लिए अनाज ले आ। अभी लाई आई। आपकी दया से सब अच्छे से चल रहा है साई। इसके बाबा भी आते होंगे। चंपा अभी तक नहीं आई। चंपा, तुम्हें एहसास दिलाना ही होगा कि उन्होंने मेरे साथ बदसलूकी की है। हाँ भाई, गलत तो हुआ है तुम्हारे साथ। क्यों पंता जी? हाँ अंता जी। तुमसे मतलब? अरे मतलब की बात छोड़ो भाई। हम दोनों शिविर के बाहर से गुजर रहे थे ना, तो हमने देखा कि गणपत राव जी ने तुम्हारे वीडियो के साथ क्या किया। एक तो खुद को शौक नहीं है, तो दूसरा भी ना रखे, ये तो सरासर जुल्म है, जुल्म। मुझे बहुत अफसोस हुआ, अभी भी रोना आ रहा है। अरे नहीं पंता जी, नहीं, मत रोइए, मत रोइए। इसलिए हमने सोचा कि तुम्हारी मदद करे। हाँ। मेरी मदद? मेरी मदद तो तुम तब कर पाओगे जब तुम्हारी खुद की नाटक मंडली होगी। मैं उन्हें गुस्सा दिखा के यहाँ चला तो आया हूँ, लेकिन वापस वही जाना पड़ेगा शाम होते ही। आखिरकार वो मेरे मालिक हैं, तो उनका कहा तो मुझे मानना ही पड़ेगा ना। हाँ भाई, भले वो तुम्हारे मालिक हैं, लेकिन तुम्हारा अपना वजूद है। आखिर उस नाटक में जितना गणपत राव जी का महत्व है, उतना तुम्हारा भी है। भले ही लोग उनका नाम सुनकर कल नाटक देखने आए होंगे, लेकिन जाते वक्त सब लोग तुम्हारी ही तारीफ कर रहे थे। हाँ, और नहीं तो क्या, रानी दमयंती के अभिनय की सब तारीफ कर रहे थे। अगर हम पे यकीन नहीं है तो किसी से भी पूछ लो। हाँ हाँ, गणपत राव को गणपत राव जी बनाने में भी तुम्हारा हाथ है। ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। तो अब सोच लो, तंबू में वो मालिक है, तो मालिक की तो बात माननी पड़ेगी ना। लेकिन तंबू के बाहर तुम खुद अपने मर्जी के मालिक हो। हमारे मालिक भी हमें बीड़ी पीने से मना करते हैं, लेकिन हमें बीड़ी पीने का मन होता है ना, तो हम कोई ना कोई बहाना बनाकर वहाँ से निकल जाते हैं। और मुझे गुस्सा तो इस बात का कि उन्होंने मेरी सारी बीड़ियां जला दी। अरे तुम चिंता मत करो, हम है ना एक महान नाटक के पसंदीदा कलाकार के लिए इतना भी नहीं कर सकते हम। अंता जी। ये लो। धन्यवाद। ये हरे धागे वाली दो बीड़ियां तुम दोनों के लिए। और ये जो लाल धागे वाली बीड़ी है, इसमें विष मिश्रित तंबाकू है,
इसका एक सुट्टा मारते ही आदमी कम से कम आधे एक दिन के लिए बेशुद्ध हो जाता है। अरे ओम समझे? तो ये बीड़ी उस मूर्ख को पिला देना। सरकार, आपने याद किया। नरपति, अरे ये नरपति को क्या हुआ? नरपति रास्ते में बेहोश पड़ा था, मेरे सेवकों ने उसे देखा और उसे यहां लेके आ गए। धन्यवाद सरकार, आपने मुझे खबर करवा दी। मैं अभी से यहां से लेके। तुम्हें ज्ञात होना चाहिए बल्लाल पंत कि इस क्षेत्र में मुझसे बड़ा वैद्य दूसरा नहीं है, इसीलिए तो मेरे सेवक उठा के यहां लेके आए। मैंने इसकी जांच कर ली है और तुम्हें बताते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है कि तेरा ये नरपति क्षय से ग्रासित है। ये कैसे हुआ? ये कुछ देर पहले तक तो ये ठीक था। हरिओम हरिओम, तुम तो जानते हो बल्लाल पंत, ये बीमारी अंदरूनी बीमारी है, दिखती नहीं है, अंदर ही अंदर बढ़ती चली जाती है। इस रोग के लक्षण अचानक से दिखते हैं या धीरे धीरे दिखने लगते हैं और एक वैद्य ही उसे बता सकता है। बताओ, इसे खांसी उठती थी कि नहीं? हाँ, लेकिन लेकिन हमें लगा कि वो बीड़ी पीता है इसकी। हरिओम हरिओम, अच्छी नहीं है ये बीमारी बल्लाल पंत, हो सकता है ये बीमारी पूरे शिरडी वासियों को लग जाए। हाँ, संपर्क में आने से ये बीमारी बढ़ती है और गांव की सुरक्षा को देखते हुए मैं ये जोखिम नहीं उठा सकता, इसीलिए तुम इसे तुरंत शिरडी से दूर लेके जाओ और स्वस्थ होने के बाद ही इसे वापस ले आओ, ये मेरा आदेश है। परंतु सरकार, इसके बिना हम नाटक कैसे करेंगे? ये हमारे नाटक में नायिका की भूमिका निभाता है, अगर ये नहीं रहा तो हमारा नाटक कैसे होगा? कहना क्या चाहते हो तुम बल्लाल पंत? तुम्हारे नाटक के लिए पूरे गांव को मैं जोखिम में डालूं? और तुम तो समझदार हो, ऐसी बातें कैसे कर सकते हो तुम? सुनो, यदि तुम इसे अपने पास रखना चाहते हो तो तुम सब शिरडी से निकल जाओ। नहीं नहीं सरकार, मैं अभी यहां से इसे भिजवा देता हूं। अब मेरे इस वार से बच के दिखा गणपत राव। इससे पहले कि सरकार हमें यहां से भगा दे, इसको जल्दी गांव भिजवाओ। और इतनी जल्दी आपको दमयंती की भूमिका के लिए दूसरा कलाकार कहां से मिलेगा? चंपा, देखिए ना साई, गज भर की हो गई लेकिन उंगली बराबर छिपकली से डरती है। साई, साई, Oh,
पता नहीं चिपकली को देखकर मुझे क्या हो जाता है। मुझे तो इस बात की चिंता है साई कि शादी के बाद क्या करेगी। इसकी सास इससे शादी के बाद रोटी मांगेगी और गलती से इसे छिपकली दिख गई तो ये तो उन्हें भूखा ही मार डालेगी। माँ का फिक्रमंद होना लाजमी है, पर ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। समय आने पर इसका डर भी दूर हो जाएगा। मैं भी उसी समय का इंतजार कर रही हूँ साई। इसके इस डर से तो मैं भी तंग आ गई हूँ। क्यों हमेशा मेरी बेटी को डांटती रहती हो? हाँ प्रणाम साई। राम जी भला करे। ये देख क्या लाया हूं तेरे लिए। इतना लाड प्यार देंगी तो शादी के बाद ससुराल जाके वहां पे तालमेल कैसे बिठा पाएगी ये। लेकिन मैं भी बोल क्यों रही हूँ, मेरी सुनता ही कौन है। सा